ये है सुभाष भाई जिसके बारे में आपको आपको बता रहा था मेरा। और आप चेक करो व्यू अब, अपना गन साथ में ले जाओ वापस। So hello everyone, it's Arnav here and I welcome you back to another video. Today is 16th of January और आज के कुछ ऐसे plans हैं that I want to chat with a friend जिससे मैं काफी time बाद मिल रहा हूँ, तो उससे मिलने जा रहा था and 10:30 in the morning का हमारा plan था मिलने का and it's already 12. तो बस जल्दी से खाते पीते हैं और निकलते हैं। उसके फोन पे फोन आया, अरे भाई कहाँ रह गया, और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो मैं घर से निकल रहा था बस, और मैंने एक चीज़ देखी, ये देख कर मेरे को याद आया कल फादर साहब ने ऑर्डर दिया था कि ये ठीक करना है किसी भी हालत में कल तक। तो अब वहाँ का तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले यही ठीक कराया हूँ जाके, देन जाएंगे घूमने। तो गाइस दिस वाज माय एवरीडे हसल। रोज मेरे को आज सुबह भी मां अपने थार ले जानी थी और वो अंदर खड़ी थी गैराज के जहां मैंने 20 लावे डाली। तो वो सुबह मैं कोई 3-4 बजे सोया था और उन्होंने मेरे को उठा दिया 7 बजे कि उठ गाड़ी पीछे कर, हमने दूसरी निकालनी है। तो अब बस हम टायर वाले के पास जा रहे हैं, टायर वाले टायर लगवाएंगे और फिर यहाँ राइट में इससे बस टायर लगवा के निकलते आगे के लिए। तो यार जितनी देर टायर पंचर लग रहा है उतनी देर मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी 3-4 दिन पहले जयपुर गया था मकर संक्रांति मनाने और कुछ और थोड़े बहुत काम भी थे पेरेंट्स को, तो उसका व्लॉग मैं 2-3 दिन बाद डालूंगा आराम से, क्योंकि उसे मैंने सिर्फ जाते हुए रिकॉर्ड कर रहा है जयपुर पहुंचने तक और आते हुए रिकॉर्ड कर रहा है थोड़ा बहुत। वहां पर जाके ज़्यादा 1-2 शॉट्स वगैरह लिए होंगे मैंने, क्यों, क्योंकि जयपुर में गया था अराउंड आफ्टर 10 ईयर्स हैं और आई बिलीव इन Living for the moment then capturing the moment। हाँ मैं vlogs बनाता हूँ तो मेरे मुँह से बात अच्छी नहीं लगती, but then again it's just a side activity, just a hobby, not my essentials। तो मैं I will do what I want to do। जयपुर में जिनके पास हम गए थे वो एज ए काइंड ऑफ फैमिली मान लो, हमारी जो मेरी शेद है ये भी मेरे को वहाँ पे जयपुर वाले जो आंटी है मासी बोल लो माँ जैसी मेरे जस्ट नेक्स्ट टू आई मदर है वो, तो दे आर बेसिकली फ्रॉम हिमाचल इटसेल्फ और वहाँ पे वो लोग सेटल्ड है और उनके अपने होटल्स हैं, बार्स हैं, हेरिटेज पॉइंट्स हैं, एंड दे आर सो डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे हैं ना यार वो लोग। मतलब मैं 10 साल बाद गए, इतने ज़्यादा इंट्रैक्शन हुई नहीं है हमारी, मतलब पहले भी और अभी भी, बट बहुत बहुत मज़ा आया। बट वो देन अगेन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इतना कुछ, बट स्टिल। तो यार ये पंचर वाला तो कह रहा था 10 मिनट लगेंगे अभी, तो मैं अब सीधे उस, मेरा फ्रेंड काफ़ी देर से वेट कर रहा है तो मैं सीधे उसके पास ही जा रहा हूँ अब, और फिर वहाँ से हम दूसरे पंचर वाले के पास जाएंगे, क्योंकि यार इतनी देर किसी को वेट नहीं कराना चाहिए यार। तो भाई ये टायर हमारा लग रहा है यहाँ पे ट्यूब वाला टायर। तो ये है सुभाष भाई जिसके बारे में आपको बता रहा था मेरा बचपन का फ्रेंड, और हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th तक साथ में पढ़े हुए हैं। उसके बाद 11th, 12th में बोर्डिंग में चले गया था, 6th से पहले जयपुर में था, मैंने आपको बताया था 10 साल पहले जयपुर में था मैं। तो हम उस टाइम काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, मान लो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना स्कूल में। तो अब उसके बाद हम मुश्किल से तीसरी बारी मिल रहे हैं। एक बारी क्या नाम है, जब एक बारी हम ऐसे घूमने गए थे वहाँ नैना टिकर साइड है ना, दूसरी बारी हम एक बारी हम दिवाली में मिले थे जब मैंने सुभाष के हाथ कुछ गिफ्ट भिजवाए थे फॉर समवन स्पेशल। यस समवन हु वाज स्पेशल, और अब हम आज फिर निकले हैं। सुभाष भाई क्या प्लान है फिर आज का, चलते हैं फिर कहीं बैठते हैं खुले में,
कैफे वगैरह तो नहीं बैठना यार, कैफेज तो बहुत बैठे हैं यहाँ, कोई फायदा नहीं है। एक आधा पॉइंट पता है यहाँ पे बहुत अच्छे, यहाँ पे बढ़िया नेचर भी है, व्यू भी है, सब बढ़िया। वहाँ कुछ अभी पहले खाने को ले लेते हैं, चिप्स वगैरह, जूस वगैरह, एंड देन वहाँ बैठते हैं और फिर आपको आगे के सीजन दिखाते हैं। सो वी आर ऑन आवर वे टू द लोकेशन, हमने चिप्स वगैरह जूस वगैरह ले लिए थे साथ में, बस वहाँ आगे बैठते हैं, पुराने दिन याद करते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम विल गो फॉर लंच, लंच करेंगे एंड इट शैल बी अ डे वेल स्पेंट। तो गाइस हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं और आप चेक करो व्यू अब। ऐसी जगह हो, सर्दियों का टाइम हो और बढ़िया धूप लगी हो, और क्या चाहिए भाई बंदे को जिंदगी में। तो जी यहाँ पे अब ऑलमोस्ट धूप चली ही गई है, बादल आ गए बहुत सारे और हम बस निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से निकलने से पहले थोड़ा मीठा हो जाए, भाई अपना गच्चक खोल रहा है, गच्चक खाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर समवे फॉर लंच, उसके बाद आपको आगे की चीज़ दिखाते हैं पूरे। तो भाई अब थोड़ी शाम भी हो गई है और मौसम भी थोड़ा आपको देखो मज़ेदार सा ही हो रहा है, तो हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाबे दी फुल कृपा, क्योंकि वहाँ के सबसे फेमस छोले भटूरे पूरे यहाँ सोलन में। और देखो कभी भी ऐसे किसी स्पॉट पे आओ ना बैठने के लिए, अपना गन साथ में ले जाओ वापस, क्योंकि यार हमारी खुद की नेचर है, हमारी खुद की जगह है, तो क्यों ऐसे ही ख़राब करनी। तो हमने यहाँ पे जो ये था हमारे चिप्स वगैरह पैकेट से, और यहाँ पे भाई ने भी जो माउंटेन ड्यू और गच्चक खाई थी वो बची, वो हम ले आ रहे हैं वापस और आपको आगे ये सीन दिखाते हैं। तो भाई यहाँ हमने लिया एक छोटा सा हॉल्ट, क्यों ये देख लो भाई साहब, क्यों ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट यहाँ पे डिस्पोज करेंगे हमारा जो वो था रैपर्स एंड बॉटल्स, एंड नाउ विल हेड टू बाबे दी फुल कृपा। तो यार अब बढ़िया खा पी के रिफ्रेश हो गए हैं और अब मैं भाई को ऑफिस घर छोड़ने जा रहा हूँ इनके, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अब यहाँ होटल में भी ना जैसे कुछ डिशेज थी, जैसे मेरे सामने एक बंदा आया ब्रेड पकौड़ा खाना है, है तो वो कहता कि आज मंडे है, आज हमारे वर्कर्स नहीं आए, आज नहीं बनते हमारे, बाकी डेज ऑफ वीक में बना देते हैं। सुबह जैसे हम टायर पंचर कराने गए, यहाँ पे दो तीन शॉप्स तो बंद ही मिल जाए, आधा मार्केट बंद ही मिला यहाँ पे देवघाट सोलन का जो एरिया है, और जो कुछ खुले ही मिले उनमें आई वाज लाइक कि क्योंकि जो वो वाला टायर था ना हमारा जो पंचर हुआ था, अगर आपको नॉलेज हो तो एक होता है ट्यूब वाले, एक होता है ट्यूबलेस। सो वो ट्यूब वाला था पर ट्यूब वाले में बहुत बड़ा कट लगा था, तो उसने अंदर ट्यूब डाल दी थी पुराने वाले जो जिससे पहले कराया होगा, तो ट्यूबलेस हम हर उसका जा रहे हैं। अब बंदों ने दुकानें खोली ही टायर के लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पे सवाल देखा था टायर के लिए बंदों ने दुकानें खोली हुई, उनको बोले ट्यूबलेस, कहते नहीं जी हम ट्यूबलेस नहीं करते, हम आप वहाँ चल जाओ वहाँ हो जाएगा ट्यूब वाला आपका। फिर एक जगह गए हम लास्ट में, ही वॉज लाइक कि कर दूंगा मैं बट मैं 100 रुपये लूंगा। भाई कितने का होता है नॉर्मल ट्यूबलेस वाला टायर पंचर? 20-30 रुपए का मैक्सिमम, बट उसने कहा 100 लूंगा मैं ट्यूब वाले के। तो उस टाइम मजबूरी थी, मजबूरी भी, मैं चल ठीक कर दे यार तू ले ले 100 रुपये, कहाँ पचेंगे तेरे को, अगर तेरे हक के होंगे तो पचेंगे, नहीं होंगे नहीं पचेंगे, तो उसको 100 रुपये दिए। बट ये मैंने आज नई चीज़ मेरे को सोलन की पता लगी कि भाई मंडे को भी मार्केट बंद रहता है। जैसे आज सामने देख लो, आपको सामने के दिखाता हूँ, सामने का भी शॉप सारी बंद ही है यहाँ पे, जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है बाबे दी फुल कृपा के बाहर। ये देखो भाई इधर हमने गाड़ी पार्क करी है, ये शॉप बंद, ये शॉप बंद, ये शॉप बंद, वो एक खुली है उसके आगे वाली शॉप बंद, इस साइड देखो ये खुली है उसके आगे वाली बंद, उसके आगे वाली, उसके सारा मार्केट बंद है पता नहीं क्यों। एंड टुडे इज मंडे, मंडे को बल्कि इनका वर्किंग, चलो अब चलते भी है साथ साथ, मंडे को बल्कि इनका वर्किंग होना चाहिए, पर ये खाली दुकान बंद करके बैठे हैं मंडे को, बट चलो इनकी दुकान की मर्जी क्यों भाई, है ना। अब बस निकलते हैं भाई को इनके घर छोड़ते हैं, एंड देन इट वॉज अ डे वेल स्पेंट राइट। तो अब इनको घर छोड़ के हम अपने घर चलते हैं और फिर आपको आगे के सीन दिखाते हैं। तो यार करते हैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, गुड बाय।